ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत 2020 में, किस्मत 2020 में। और किस्मत 2020 में आज के अंक में हम बात करेंगे कि साल में आप स्वस्थ कैसे बने रहे। स्वास्थ्य सबसे बड़ी जरूरत है हमारे जीवन की, और आने वाले नए साल में हम सभी स्वस्थ रहें, हम सभी प्रसन्न रहें, ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है और बहुत जरूरी भी है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियों के हिसाब से इस साल में आप कौन से उपाय करें ताकि आपकी सेहत बेहतर और अच्छी बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के लिए क्या उपाय होगा। मेष राशि, देखिए 2020 में आप एक नियम बना लीजिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करेंगे। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप करिए। सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः ये मंत्र आपको रोज सवेरे 108 बार पढ़ना है। पहले सूर्य को जल चढ़ाएंगे, फिर ये मंत्र पढ़ेंगे। अगर ऐसा पूरे साल भर करते हैं तो साल भर में सेहत की मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। वृष राशि, देखिए रोज सुबह और रोज शाम को आपको शनि मंत्र का जप करना है। आप चाहते हैं कि आप 2020 में स्वस्थ रहें, आपको स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो, तो रोज सुबह और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है ताकि किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य की समस्या है, जो सेहत की मुश्किल है, वो आपको परेशान ना करे, आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता रहे, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव करे। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप खाली पेट नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वृष राशि के लोग खाली पेट रहते हैं, तो खाली पेट रहने से आपको बचना होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की बात करें, क्या करना होगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2020 में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। नियमित रूप से अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हर मंगलवार को आपको मीठी चीज का दान करना है। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, मिठाई है, ये हर मंगलवार को अगर आप दान करते रहें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। और याद रखिए इस साल में आपको लाल रंग का प्रयोग कम से कम करना है, क्योंकि अगर आप लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो आप दुर्घटनाओं के, एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। कर्क राशि की बात करें, कैंसर की, देखिए अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो 2020 में नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। और भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे, नित्य प्रातः भगवान शिव को जल अर्पित करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और नमः शिवाय का जप करें रोज। इसके अलावा पूर्णिमा का उपवास रखें, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसके अलावा चांदी का छल्ला या चांदी का एक कड़ा अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात करें, 2020 में अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सेहत की मुश्किलें परेशान ना करें, तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित जरूर करें। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। नियमित रूप से बृहस्पति के मंत्र का जप आपको करना होगा।
बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। नियमित रूप से इस मंत्र का सुबह के समय 108 बार आपको जप करना होगा। इसके अलावा इस साल में खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट संबंधी गड़बड़ियां आपके लिए दिख रही हैं। इसलिए अगर अपने डाइजेशन का, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। कन्या राशि, आपको इस साल में 2020 में स्वस्थ रहने के लिए बुध के मंत्र का जप करना चाहिए रोज सवेरे 108 बार। और बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। नियमित रूप से आपको बुध के मंत्र का जप करना है। इसके अलावा नियमित रूप से पूजा उपासना पर ध्यान दें, नियमित रूप से भगवान की पूजा करें, भगवान की उपासना करें। और इस साल आप ये ध्यान रखेंगे कि आप वाहन सावधानी से चलाएंगे, वाहन दुर्घटना के योग आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। तुला राशि, साल 2020 में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो रोज सवेरे और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करेंगे। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक आप जरूर जला देंगे, और शनिवार के दिन ही किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करेंगे। अगर ऐसा आप पूरे साल करते हैं तो स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं से बचे रहेंगे और सेहत कुल मिला जुलाकर 2020 में आपकी अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, 2020 में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज्यादा कुछ ना कर सके तो आप हनुमान चालीसा रोज सवेरे पढ़ें। संभव हो तो मंगलवार का व्रत भी रखें। मंगलवार का व्रत रखना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करिएगा, पूरे साल भर मंदिर में दे दें, गाय को खिला दें, किसी गरीब आदमी को दे दें, जैसा भी ठीक लगे। हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि, 2020 में स्वस्थ रहने के लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, रोज ऐसा करें। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और रोज सवेरे 108 बार शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। ये जप करना आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। मकर राशि की बात करें, कैप्रिकॉर्न की, साल 2020 में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की, बाएं हाथ की या दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में शनिवार को जरूर पहन ले, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि एक्वेरियस, साल 2020 में आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रोज सुबह शाम शनि मंत्र का जप करेंगे ओम शं शनैश्चराय नमः। नशे से परहेज करेंगे। अगर आप नशे के चक्कर में रहते हैं तो 2020 में आपके बहुत बीमार हो जाने की उम्मीद हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि इस साल आप नशे से परहेज करें तो आपके लिए बेहतर। साल 2020 मीन राशि के स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय बता रहा है? पाइसस के लिए
रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। यथाशक्ति जितना संभव हो रोज एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में जरूर आपको पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपका बुरा समय निकल जाएगा, आप किसी भी तरह के बीमारी के या स्वास्थ्य की समस्या के शिकार नहीं होंगे। तो अलग अलग राशियों के लोग अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए 2020 में क्या करेंगे, इस विषय पर हमने बात की। तो फिलहाल किस्मत 2020 में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। तो अब देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप।